नए साल के स्वागत के लिए दुल्हन की तरह सजाया गया मोकामा वार्ड नंबर 13 का श्री कृष्ण पार्क। मोकामा ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त बासुकीनाथ। आने वाले वर्ष 2023 के स्वागत में मोकामा का श्री कृष्ण पार्क दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो चुका है। कल 9 वर्ष के अवसर पर यहां मोकामा के कोने कोने से नया साल मनाने के लिए हजारों लोग आने वाले हैं। वर्ष 2022 की विदाई और नया साल 2023 के स्वागत के लिए श्री कृष्ण पार्क पूरी तरह सज धज कर तैयार है। अब सभी को इंतजार है तो केवल बस आज रात का, जब न्यू ईयर सेलिब्रेशन की सदा फिजा श्री कृष्ण पार्क में गूंजने लगेगी। नव वर्ष 2023 के अवसर पर मोकामा के वार्ड नंबर 13 अवस्थित श्री कृष्ण पार्क को दुल्हन की तरह सजाया गया है। नगर परिषद मोकामा के द्वारा पार्क को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। मुख्य द्वार पर फूलों से तोरण द्वार बनाया गया है। पार्क के रास्तों को फूलों और रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया है। पहली बार पार्क को इतनी सुंदर तरीके से सजाया गया है कि देखकर आपका मन ललचा जाएगा। इस अवसर पर बच्चों में भी काफी उत्सुकता देखी जा रही है। पार्क अवस्थित फव्वारे को दुरुस्त कराया गया है। रंग बिरंगी लाइटों के बीच पानी का फव्वारा अद्भुत प्रतीत हो रहा है और इसे देखने के लिए आज सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। कल मोकामा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता चंदन जी ने पार्क का दौरा किया था। उसी समय कार्यपालक पदाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि 9 वर्ष के अवसर पर श्री कृष्ण पार्क को सजाया जाए। नव निर्वाचित सभापति नीलेश कुमार माधव के विशेष आग्रह पर कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार के नेतृत्व में श्री कृष्ण पार्क के अद्भुत तरीके से सजाया गया। मोकामा और आसपास के ऐसे ही अन्य खबरों को जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.mokamaonline.com के अतिरिक्त हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।